इमरान शैतान जड़ा क्रिसमस दे केक कटदा जड़ा चूड़िया नूं मुबारकबाद दिंदा और विसाखियां दा बहाना बना के अंदरूनी खाना गल की है मैं उस तरफ नहीं आंदा और विसाखियां ते चल के ते केक कटन जांदा। हाँ आज शबाजी भी केक कटा और मुझे बताओ इमामुल अंबिया की आमद के बाद और क्रिसमस के केक काटने का मतलब क्या है और मुबारकबाद देने का मतलब क्या है? जब इमामुल अंबिया आ गए तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, हम अश्क रसूल हैं, और मुझे बताओ क्या तुमने हुजूर के मिलाद का केक काटा कभी? कभी मुसलमानों को तुमने मुबारकबाद दी हुजूर की आमद की? अब हालांकि तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, ये मुसलमानी है। वजा में नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्मा यहूद। और भाई देखो पाकिस्तान में चूड़े कितने सारे हैं, उन्होंने पीड़ है उसी मुबारकबाद दे रहे हो और ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत हुजूर की आमद के बाद मनसूख, तो फिर मुबारकबाद देने का मतलब क्या है? और मुबारकबाद तुम्हें देने का शौक था तो मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते, ईद मिलादुन नबी की तो मुबारकबाद देते, लेकिन आज तक तुम्हारी जुबान जलती है, तुमने आज तक हुजूर के मिलाद की मुबारकबाद नहीं दी और तुम्हें चूड़ों का इतना दर्द है तो फिर बेहतर है चूड़े हो जाओ। इमाम अहले सुन्नत आल हजरत फरमाते हैं कि भाई क्रिसमस की मुबारकबाद देना हराम है, होली मनाना हराम है, हिंदुओं के त्यौहार मनाना हराम है, तो फिर तुम मुबारकबाद दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पीछे लगे जनाब उजरदारी दे पठा जड़े मूर्तियों से दूध पाते, किस पर दूध डालते हैं? मूर्तियों पर दूध डालते हैं। और इन्हें क्या सी जरदारी दे पठे ने, मैं पाकिस्तान में चूड़ा वजीर आजम देखना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड में बातें मौजूद हैं। पिछले का गुजरात के गुंडे उन्होंने कोई दीन ईमान ही कोनी, वो इतना मिल गया ए आया तो ए आ गया तेना मिल गया, उन्होंने अपना दीन ईमान है ही कोनी। मैं पूछना चाहता ठीक है तुम नून लीग ना खलोते हो रवो, काफ लीग ना रवो, पीटीआई ना रवो, पीपल्स पार्टी ना रवो, लेकिन फिर पक्या रहना, असी जिते वहाँ असी पक्के हाँ, असी क्रैन से मोल लानी, लब्बैक या रसूल अल्लाह नूं वोट देना, हुजूर दा दीन तख्ते लेना। ओ यार तुसी कहना ओ जनाब वोट दी पर्ची नहीं कड़ी गल है, साड़ियां कर देना हुजूर वास्ते हाजिर रहन, एक तुसी पर्ची दी गल करदे हो है कि नहीं? तो फिर ये भी याद रखना जिथे फिर इमरान रहेगा तुसी दुआ मंगो मरण तो बाद भी, या अल्लाह सानू इमरान ना रखी, जिते शबादा रहेगा हम नवाजा रहेगा जरदारी रहेगा जो है जी उसका बेटा रहेगा, मरण तो बाद जिथे रहेंगे भाई तेरा लीडर है ना, तेनों मुबारक होवे तू ये नाल खड़ा हो, लेकिन पक्या रवी मरण तो बाद जिथे रहेंगे दुआ मंग तू मरण तो बाद ना ही रवे। ते अगर तेरी जुबान ते जुमला नहीं आता तो फिर सोच ले हक केड़े पासे, कि हमारे कायदे मोहतरम कायद अजीमत हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आप हमारे कायद थे, उनकी विसाल के बाद कायद मिल्लत इस्लामिया जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया आप हमारे वो कायद हैं है कि नहीं? सानू कोई पछतावा? साडा कायद बाबा जी सन पहले, उन्होंने जिंदगी तुहाडे सामने खुली किताब है। बाबा जी वो सन जिन्हें मस्जिद ने स्पीकर बहाल करवाए, चारों तरफ अजान बहाल करवाई, बाबा जी ओ हस्ती सन, साढ़ा बाबा जी ओ लीडर ओ सन जिन्होंने मोटर वे दरूद सलाम दे बोर्ड दोबारा लगाए है कि नहीं? साढ़े बाबा जी ओ सन जिन्होंने हुजूर दी इज्जत ते पैरा दिता ते माजूरी दी हालत छे महीने जेल कटी, साढ़े बाबा जी ओ सन जिन्हें खत्म नबूवत ते पैरा दिता ते मिर्जाई वजीर हटवाया है कि नहीं? बोलो भाई है कि नहीं? और साढ़े बाबा जी और सन कि जिन्होंने मुमताज कादरी ने साथ दिता, गली गली आपने होका दिता हुजूर दी इज्जत दे पहरे दा, गल है कि नहीं है? हमारे अमीरे मोहतरम साद भाई जिन्होंने बगैर किसी वजह के सरकार की नामूस के लिए 7 महीने जेल काटी है, तो सारे जुल्म उठाए इन्होंने, जड़ा जुल्म जड़ा इन्होंने छड़े नहीं सारे कीते, लेकिन वो साढ़े बाबा जी की निशानी
जी जानशीन अमल मुजाहिदीन एक सूत्र भी पीछे नहीं आए। आज ले इनकी पना, आज मदद मांगे इनसे, फिर ना मानेंगे कि हम तुम्हें अगर मान गया।